हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ पेन डिसऑर्डर के बारे में, मतलब अति तीव्र वेदना। एक बीमारी है जिसमें शरीर के अलग अलग हिस्सों में अति तीव्र वेदना उसको होती रहती है और वो उसको बीमारी होती रहती है। बहुत ज़्यादा अलग, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है करके, और उससे बहुत तकलीफ होती रहती है। इसमें ज़्यादातर चेहरे पे बहुत पेन लगता है उसको। कुछ लोगों को चेहरे के ऊपर पेन है, या कुछ लोगों को पेट में पेन रहता है, कुछ लोगों को कमर दर्द, पीठ दर्द, वहाँ बहुत सीवियर पेन रहता है, कुछ लोगों को हाथ पैर में बहुत तीव्र वेदना होती रहती है। अब ये लोगों का ऐसा है कि ये लोग नाटकीय ढंग से इसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, यानी ड्रामेटिक वे से उसको प्रेजेंट करते रहते हैं कि भाई देखो कितना दर्द हो रहा है। तो नेक्स्ट है कि वेदना जो है वो शरीर का जो, मतलब जो हिस्से में वेदना हो रही है वो शरीर का हिस्सा उनका उतना काम नहीं करता। सपोज हाथ पैर में दर्द हो रहा है तो उतना काम नहीं करेगा, वो ज़्यादा चलेगा नहीं, ज़्यादा घूमेगा नहीं, क्योंकि दर्द कर रहा है करके। फिर उसको लोगों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है, और ये लोग सोचते हैं कि कोई इंश्योरेंस कंपनी से उनको मुआवजा मिलना चाहिए करके। ये दर्द जो है, ये दर्द के लिए वो डॉक्टर से डॉक्टर घूमते रहते हैं, काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशन जांच करते रहते हैं। साइकोथेरेपी में जब मेरे पास में पेशेंट आता है तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि भाई तुमको ये बीमारी है, ये पेन डिसऑर्डर है, ये साइकोलॉजिकल बीमारी है। आपने सब इन्वेस्टिगेशन किया, कुछ मिला नहीं है, मगर दर्द बहुत ज़्यादा है, तीव्र वेदना है। तो आपको दर्द है ये भी सही है और बीमारी ये भी सही है। उसका कारण जो है वो साइकोलॉजिकल है। इनमें मैं कम से कम दवाई देता हूँ, वेदना शमनी की दवाई, मतलब पेन किलर कम से कम, क्योंकि उसकी आदत लग जाती है। फिर ये लोगों में डिप्रेशन काफ़ी रहता है, तो एंटी डिप्रेशन जो दवाई है वो उसमें काम में आती है। डिप्रेशन रहा तो, डिप्रेशन नहीं रहा तभी भी एंटी डिप्रेशन दवाई या दर्द कम करने में काम में आती रहती है। इतने सारे लोग हैं कि जिनको कुछ ना कुछ दर्द है, बहुत सारी गोलियाँ खा रहे हैं, नींद की गोलियाँ खा रहे, दर्द शामक गोलियाँ खा रहे, दर्द नाशक गोली खा रहे, मगर दर्द नहीं उनका हिल रहा है, नहीं हट रहा है। वो यदि साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेते ना, उनका बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा मिलेगा और उनको एक अच्छा जीवन जीने के लिए मिलेगा। आपको अच्छा लगा तो यदि सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकन आता है उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। हमारा जो मकसद है वो मानसिक स्वास्थ्य सबके लिए, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल और एडिक्शन फ्री इंडिया, उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच।